कक्षा नौवीं में आज हम जो हमारा अध्याय चल रहा था 14 प्राकृतिक संपदा। तो अभी तक हमने प्राकृतिक संपदा में आपने पिछले उसमें देखा था जल चक्र, किस प्रकार जल का चक्रण होता है, साइकिल होती है। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन जिसका संकेत है N और ये अणु अवस्था में है N2। वैसे तो ये वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ये 78%। लेकिन इस रूप में हम उसका अध्ययन अपने शरीर में उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस या तो ये भोजन में मिली हुई हो और ये पोषक पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाती है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, डीएनए, आरएनए और कुछ विटामिन, इन सब का घटक क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक कार्बनिक यौगिक है, यूरिया, एल्केलॉइड और यूरिया में भी पाया जाता है, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं। तो हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन एक बहुत ही आवश्यक पोषक पदार्थ है और वायुमंडल में भी इसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को दूसरे यौगिक में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। फिर ये मिट्टी में मिल जाता है और फिर मिट्टी से पोषक पदार्थों के रूप में ये पेड़ पौधों में आ जाता है, और जब पेड़ पौधों में आ जाता है और हम उनका सेवन करते हैं तो इस प्रकार हमारे भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन आ जाता है। अब हमारे भोज्य शरीर में आ जाता है जब कोई भी जंतु, पशु, पेड़ पौधे जब मृत होते हैं तो ये वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से मिट्टी में नाइट्रोजन आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं नाइट्रोजन का विभिन्न रूपों में चक्रण होता है। तो नाइट्रोजन स्थिति, स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन को हम या तो NO3 या इसको NO2 में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। कुछ द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा है द्विबीजपत्री चने, मूंगफली, मटर, तो इनमें इनकी जो जड़ें हैं उनकी जड़ों में जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो जड़ों में आप देखेंगे ऐसी गांठें पाई जाती हैं, फूले फूले बनौट जैसे पाए जाते हैं। तो इनकी जो गांठों हैं उनमें एक बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस राइबोस बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं बिजली चमकने के समय भी ये क्या होता है, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में क्या कर दिया, मैं भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदल देते हैं। फिर कभी कभी आकाश में जब बिजली चमकती है तो ताप क्या हो जाता है, उच्च ताप बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है, उस समय भी उच्च ताप पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये पानी से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और अम्ल बनाते हैं HNO3। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ये अम्ल बन जाता है और बारिश के वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं तो इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है। जब नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपी, मतलब नाइट्रोजन के जो रूप रहते हैं जैसे नाइट्रेट्स या नाइट्राइड्स, तो पेड़ पौधे इनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर इनको एमिनो अम्ल में बदल देते हैं।
जिसका उपयोग प्रोटीन, प्रोटीन का जो सरल रूप है वो है अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार प्रोटीन और दूसरे जटिल यौगिकों का प्रयोग जंतु द्वारा करते हैं, और ये जब जंतु और पौधे की मृत्यु होती है तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। और इस प्रकार कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट एवं नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में भी बदल देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है, और ये मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और जीवित पेड़ पौधों जंतुओं में चला आता है, और इस प्रकार वापस ये मिट्टी में भी मिल जाता है। तो अब हम एक नाइट्रोजन चक्र को एक रेखा चित्र के द्वारा बता रहे हैं। आप देखो कि यहाँ से शुरू करेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ये फर्स्ट स्टेप। आप इससे देखेंगे दो तीर के चिन्ह निकले हुए हैं, एक निकला हुआ है आप देखेंगे नाइट्रिफिकेशन के द्वारा, और वायुमंडल और औद्योगिकी स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, या कारखानों में भी नाइट्रोजन से युक्त यौगिक बन रहे हैं जैसे यूरिया वगैरह, और वायुमंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड और अम्ल वगैरह बनते हैं, और नाइट्रिफिकेशन होता हुआ ही नाइट्रेट्स में बदलता है, और फिर डीनाइट्री मतलब वापस, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है N2 में बदलना। तो हम देखते हैं कि डीन फिर से ये वायुमंडल में मिल जाती है। दूसरा तीर का चिन्ह आप देखेंगे नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में पेड़ पौधे का के शरीर में जाता है, उनकी कोशिका की रचना जीव द्रव्य बनता है, और आप देखेंगे इस प्रकार ये अमोनीकरण जीव जंतुओं में पहुंच जाता है, तो वहां एक व्यर्थ पदार्थ के रूप में अमोनिया के रूप में बदल जाता है। तो अमोनिया का बनना, ये देख रहे हो ना अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। तो अमोनिया का बनना क्या कहलाता है, अमोनीकरण। और इस प्रकार अमोनिया फिर विघटित होता है नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स, और वापस फिर से जमीन में मिल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं इससे दो तीर के चिन्ह निकले हुए हैं, एक निकला है जीव द्रव, पेड़ पौधों से जीव द्रव जंतु पौधों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, और इस प्रकार जीव द्रव से भी अमोनिया इस प्रकार बनता है, और वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस आ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये नाइट्रोजन चक्र चलता। अब शुरू, अभी हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसका चक्रण होता है, अब हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। और कार्बन का संकेत आपको मालूम है सी, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये देख रहे हो आप CO2 छोड़ते हैं, और ये कार्बन हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक है, हमारा सारा सारे भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वसा सभी में ये कार्बन पाया जाता है, और प्रकृति में भी कार्बन हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। आपने हीरा देखा ना, चमकदार कठोर ये अधातु कार्बन है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और विभिन्न प्रकार के खनिज कार्बोनेट, जो खनिज पदार्थ हैं वो संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट के रूप में भी पाए जाते हैं। संगमरमर की चट्टाने देखी ना आपने, CaCO3, चूना, इस प्रकार हम देखते हैं, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। और हमारे प्रोटीन्स शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा न्यूक्लियक अम्ल विटामिन में सभी में कार्बन जरूर होता है। और हमारे शरीर में भी जो हड्डियां होती हैं, कई जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट मतलब जिसमें CO3 वाला ये आयन जुड़ा होगा, तो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
और जो कि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं और इस प्रकार ये वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देते हैं, और ग्लूकोज का जो सूत्र ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी, और इसको C6H12O6 ये ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज, उसमें बदल देते हैं। तो ग्लूकोज में भी कार्बन है और इस प्रकार ये एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच जाते हैं और इसके विघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जीवधारी अपनी क्रियाओं में करते हैं। और उसके बाद श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं। तो हम देखते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस आ जाती है। कभी कभी ये ईंधन जो कार्बन है ये जलते हैं, पेट्रोल जलता है, ईंधन मिट्टी का तेल, तो इन सारे क्रियाकलापों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो जो मानव जब बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को, जीवाश्म ईंधन समझ गए ना, पेट्रोल कोयला जलाते हैं, तो वायुमंडल में CO2 ज्यादा उत्पन्न हो गई है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो कभी कभी ये कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वायुमंडल में बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यदि वायुमंडल में अनुपात बढ़ता है CO2 का, तो क्या हो जाता है, वहाँ का तापमान गर्म हो जाता है क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। अब आप देखेंगे ये सॉरी कार्बन चक्र कैसे वायुमंडल में CO2 है, इससे देखना आप दो एरो के चिन्ह लगे हुए हैं। पहला है पानी में कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब संगमरमर के पत्थर CO2 जमा हो जाती है। फिर हम देखते हैं चूना पत्थर में बदल जाती है, यहाँ से एक एरो कार्बनिक यौगिक, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, और ये पेड़ पौधे यदि वर्षों के बाद जंगल जो नष्ट होते जा रहे हैं वो पृथ्वी में दब जाते हैं और कोयला में बदल जाते हैं। एक एरो देखिए ऐसे ही पेट्रोलियम में भी बदल सकते हैं। फिर आप देखिए कार्बनिक यौगिक जंतुओं के शरीर में जाता है, पेड़ पौधों को खाते हैं, और पेड़ पौधे भी जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से चार एरो निकालना है आपको। ये तो कोयले में बदल गया, अब पेट्रोलियम में बदल गया, ये जमीन के अंदर रहते हैं, और जो कार्बनिक यौगिक हैं जंतु, तो इससे आप तीन एरो निकालेंगे, देखेंगे तीन तीन तरह से इसका उपयोग हो सकता है। पहला आप देखेंगे ये जो पेट्रोलियम है में बदल जाता है अकार्बनिक कार्बोनेट, शल्क वगैरह नाखून हड्डियों में बदल जाते हैं। फिर श्वसन के द्वारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो वायुमंडल में मिल जाती है। तो ये आप देखेंगे किसका उपयोग कौन करता है, और इस प्रकार देखेंगे कि फिर से ये वायुमंडल में CO2 आ जाती है, तो एक चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कार्बन चक्र। तो इन दोनों चक्रों का आपको रेखा चित्र बनाकर सीखना है। धन्यवाद।